नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टार 686 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका फेसबुक का अकाउंट सेफ है या नहीं। दोस्तों कई बंदों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका फेसबुक का अकाउंट अपने आप ही डिसेबल या बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों आप एक ट्रिक की मदद से पता कर सकते हैं कि आपका फेसबुक का अकाउंट सेफ है या नहीं, नहीं तो आपका भी फेसबुक का अकाउंट कभी भी डिसेबल या बंद हो सकता है। अगर आपको जानना है, सीखना है कि कैसे पता करते हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फेसबुक लॉगिन कर लेना होगा। फेसबुक लॉगिन करने में दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा फेसबुक का अकाउंट है। अगर आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट देना चाहें तो भेज सकते हैं, मैं आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दूंगा। अगर मेरे से बात भी करना चाहें तो फेसबुक पर आकर मैसेज कर दीजिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों जब आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आप अपने होम पेज पर होंगे, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पर सी योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करो दोस्तों, आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन देगा, उसके साइड में ही आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स का लाइन दिख जाएगा, तो इस थ्री डॉट्स का लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन। तो अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप में ये अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो दोस्तों अपना फेसबुक का अकाउंट जरूर प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मैं अकाउंट स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करूँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आ चुका है रेड में। तो यहाँ पर मैं सी रिस्ट्रिक्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करूँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2 स्ट्राइक आया है, जैसे YouTube के वीडियो पर आता है। अगर 3 स्ट्राइक आ जाएगा तो मेरा फेसबुक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है या बैन हो सकता है। तो मैं देख लेता हूँ किस पोस्ट पर मेरे को स्ट्राइक मिला है। तो दोस्तों स्ट्राइक इस तरह मिलता है कि अगर आपके पास 1 स्ट्राइक आएगा तो 30 दिन तक आप लाइव नहीं आ पाएंगे फेसबुक पर। तो मेरे पर 1 स्ट्राइक आया है तो मैं 30 दिन के लिए लाइव नहीं आ पाऊँगा। यह स्ट्राइक मेरे को दोस्तों 9 मार्च को मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। तो मैं इस पर क्लिक करके देख लेता हूँ किस पोस्ट पर मेरा ये स्ट्राइक आया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँ दोस्तों, फिर से यहाँ पर योर पोस्ट डिटेल पर क्लिक करूँगा। क्लिक करूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ गलत पोस्ट नहीं किया था, बट कुछ इमेज गंदी थी इसलिए शायद स्ट्राइक आ चुका है। तो मैं इसको बैक आकर दिखा देता हूँ, फिर से दूसरे पोस्ट पर देख लेता हूँ उस पर किस लिए आया था। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, मैं फिर से योर पोस्ट डिटेल पर क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पर भी उसी पोस्ट का स्ट्राइक आया है। तो दोस्तों यह 2 स्ट्राइक इसलिए आया है कि एक मैंने अपने फेसबुक के पेज पर पोस्ट किया था और एक मैं अपने फेसबुक के अकाउंट पर क्लिक पोस्ट किया था, इसलिए 2 स्ट्राइक आया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह करके बहुत ही आसानी से अपना फेसबुक का अकाउंट देख सकते हैं कि आपका फेसबुक का अकाउंट अभी सेफ है या नहीं। तो ज़रूर दोस्तों आप अपना फेसबुक अकाउंट देख लीजिएगा ताकि पता चल सके कि आपका फेसबुक अकाउंट सेफ है या नहीं, नहीं तो आपका अकाउंट कभी भी डिसेबल हो जाएगा या बंद हो जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो चलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, इस 5 मिनट बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।